हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज भाई जो अपनी स्टैटिक्स बुक्स हैं उसके बचे हुए एग्जांपल्स हैं उनको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो तीन एग्जांपल आप पहले कवर कर चुके हैं, आज जर्नली अपने पास एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी आपने क्या बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना दिया। उसके बाद ई एफ जी एच आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी सी डी एंड डी ए। अब क्या बोल दिया भाई कि मेरे पास ई एफ जी एच मिडल पॉइंट है। ई मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। बी सी का जो मेरे पास मिड पॉइंट है दैट इज एफ, और सी डी का जो मिड पॉइंट है दैट इज जी, और डी ए का जो मिड पॉइंट है दैट इज एच, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, मिड पॉइंट आ गया। अब आगे बोल क्या रहा है, शो दैट द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई ई जी, ठीक है। फोर्सेस रिप्रेजेंट करनी है अपने को, एक दे रखी है इसने ई जी। अब ये ई जी लिख रहा है ना, इसका मतलब पता है क्या, आप ई से जी तक जा रहे हैं, तो एरो इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद एफ एच, एफ एच, ये एफ एच हो गया। अब इसका एरो कैसे बनेगा, एरो ऐसे बनेगा, ठीक है। एफ एच एंड डी बी, डी बी, ठीक है। डी बी यानी कि एरो ये बन रहा है। अब बोल क्या रहा है, show that the force is represented by EZ, FH and DB in magnitude and direction acting on a particle will keep in equilibrium, right? ये अपने को क्या करना है कि इन तीनों का जो magnitude है, किसका magnitude, जो मेरे पास तीन forces act कर रही हैं, क्या क्या, एक तो EZ act कर रही है, एक act कर रही है FH, और एक act कर रही है मेरे पास DB, कि ये मेरे पास तीनों फोर्सेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब ये तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है कि इनका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। तो ये जर्नली अपने को क्या करना है भाई, प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने से पहले देखो लिखना होगा अपने को, क्या क्या लिखते हैं कि मेरे पास ई एफ जी एच एक क्वाड्रिलेटरल के क्या है, मिड पॉइंट है, ऑफ साइड बी ए बी, बी सी सी डी एंड डी ए। उसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइन ई एफ एफ जी जी एच एंड एच जी। तो जर्नली मैं क्या करने वाला हूँ, जो मिड पॉइंट्स है ना इनको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, और ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद जो मेरे पास ई एफ जी एच है वो जर्नली मेरे पास क्या बना है, एक क्वाड्रिलेटरल बना है। क्या बना है, पैरेललोग्राम बना है। ई एफ जी एच मेरे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब आप ट्राइंगल लेके चलते हैं ई एफ जी, ई एफ और जी, ये ट्राइंगल बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। ये मेरे पास ई है, ये मेरे पास जी है, और ये अपने पास क्या हो गया, एफ हो गया, ठीक है। ये ऐसे हैं और ये इस तरह से। अब आप लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन पढ़ के आए हो, कैसे थे, जो दो साइड एक डायरेक्शन में होती है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर जो दो साइड का एक डायरेक्शन में लेते हैं, दो फोर्सेस जो आप एक डायरेक्शन में लेते हैं उसको ऐड करके थर्ड के इक्वल रखते हैं, तो ई एफ प्लस एफ जी किसके बराबर होगा, ईजी के। तो ईजी इज इक्वल टू ई एफ प्लस एफ जी। अब दूसरा ट्राइंगल देखो, ई एफ एच, ई एफ एच, अब ये ट्राइंगल बना रहा हूं, ये है मेरे पास F, ये है मेरे पास H, और ये है मेरे पास E, राइट। ये डायरेक्शन है कुछ इस तरह से, अब ये डायरेक्शन होगी इस तरह से, कैसे, देखो जो मेरे पास F H है वो किसके बराबर होगा, वो होगा मेरे पास F E प्लस E H, ठीक है। ये भी ट्राइंगल ला से आपा ने लिख दिया, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये दोनों ट्राइंगल साथ में बना लेना, ठीक है, एक ये और एक ये। अब थर्ड देखो, डी बी इज इक्वल टू टू एच ई, डी बी क्या है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास डी बी है और ये मेरे पास क्या है, ई एच है, या एच ई बोल दो, एच ई। तो ये जर्नली क्या है, ये अगर टू है तो ये क्या है, वन है, तो बोल सकता हूं इसकी डबल है डी बी। सिमिलरली जो एफ जी है इसका भी क्या है, डबल है, तो मैंने ये लिख दिया कि डी बी है वो डबल है टू एच ई की और टू एफ जी की, ठीक है। इसकी क्या है, ये दोनों साइड, इसकी डबल ये है, इसकी डबल ये है, तो मैंने एक ये लिख दिया। अब मैं तीनों को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो तीनों को ऐड कर दिया, यहां से ऐड किया तो स्टार्टिंग में आया इजी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, इजी प्लस एफ एच प्लस डी बी, ईजी प्लस एफ एच प्लस डी बी। अब बात आती है डी बी निकाली क्यों है, क्योंकि भाई जर्नली मेरे को क्या चाहिए, ये फोर्स चाहिए डी बी। यहाँ से मेरे को ई
जी तो मिल गया, यहां से ईजी मिल गया, यहां से मेरे को एफ एच मिल गया, ठीक है, ईजी मिल गया, एफ एच मिल गया, अब चाहिए क्या, डीबी चाहिए। डीबी कैसे मिलेगा, उसके लिए आपने इसको यूज किया है, ठीक है, जिसकी जरूरत थी, तीनों चीजों की जरूरत थी, तीनों चीज मिल गई, तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो देखो ई एफ प्लस एफ एच प्लस डीबी, अब इस साइड को ऐड कर दो, ई एफ प्लस एफ जी, ये लिख दिया ई एफ प्लस एफ जी, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ये दोनों को मैंने यहां पर लिख दिया ई एफ प्लस एफ जी, उसके बाद एफ ई प्लस ई एच, एफ ई प्लस ई एच, और यहां पर क्या लिख दिया, ये वाली साइड टू जी ई। अब देखो ये मेरे पास ई एफ ई है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से है एफ से ई तक। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन ऐसे करनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस का साइन लगा के, यहां देखो ये मेरे पास है एफ ई, अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन ये करनी है, यानी कि इसको ई एफ लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूं, इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दो, तो यही किया, जस्ट ये टर्म ही इसके आगे मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, ठीक है, यहां पर क्या बच गया, एफ जी बच गया। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम है ई एफ एफ जी जी एच एच जी, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, साइड पैरेललोग्राम की साइड बताई जनरली, तो ये जो मेरे पास ई एच ये किसके इक्वल होगा, एफ जी के इक्वल होगा, और जो ये जी एच ये किसके इक्वल होगा, ई एफ के होगा। पैरेललोग्राम की क्या होती है, दोनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो मैंने वही तो लिखा कि जो मेरे पास ई एच है ये किसके बराबर है, एफ जी के बराबर है, ठीक है। अब यहां पर जो ई एच है इसकी जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया एफ जी, एक एफ जी था इसको लिख दिया, ई एच की जगह एफ जी लिख दिया, 2GF लिख दिया, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, 2FG हो गया, दोनों में से 2 को कॉमन निकाला, कॉमन निकाला तो क्या बच गया, FG प्लस GF क्या होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर ये इक्वल टू 0 है तो अपने पास जो फोर्सेस हैं वे किस में होंगी, इक्विबिलियम में होंगी, हेंस द फोर्सेस आर, हेंस द फोर्सेस, तीनों के नाम लिख के, आर इन इक्विलिबिरियम, राइट ये अपने पास क्या था अभी आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी और आप करते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इसको ले सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई आप लोगों के पास, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। अब बोला क्या है कि ए सी जो डायगोनल है इसका जो मेरे पास मिड पॉइंट है और जो मेरे पास डायगोनल है बी डी इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या दे रखे, ई और एफ, ठीक है। मिड पॉइंट को मैं अलग मार्कर से बना लेता हूं, तो ई जो मिड पॉइंट है वो जनरली किसका है, ए सी डायगोनल का, एफ जो मिड पॉइंट है वो जनरली क्या है, डायगोनल बी डी का है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है, इफ जी इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ, ई एफ को ज्वाइन कर देते हैं, ई एफ को मैं ज्वाइन करता हूं, तो जो इसका मिड पॉइंट है दैट इज जी। अब आगे बोल क्या रखा है, सो दैट द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय जी ए जी बी जी सी एंड जी डी आर इन इक्विलिबियम, यानी कि एक तो फोर्स मेरे पास ये होगी जी ए, एक फोर्स क्या होगी जी बी, एक फोर्स होगी जी सी, और एक फोर्स मेरे पास क्या होगी जी डी होगी। बोला क्या है कि अपने को जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी प्लस जी डी इक्वल टू जीरो शो करना है। इक्विबिलियम, इक्विलिबिरियम का मतलब यही तो होता है कि तीनों फोर्सेस का जो सम है वो मेरे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना भाई, ये डायग्राम बन गया, डायग्राम बनाते ही सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। कैसे, देखो अब लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम आप लोगों को पता है, जैसे ये अपने पास ओ ए होता था, ये अपने पास ओ बी होता था, इसको आप लैम्डा इंटू ओ ए मानते थे, इस फोर्स को इसको मानते थे म्यू इंटू ओ बी, और इनका जो रिजल्टेंट है वो जनरली क्या होता था, लैम्डा प्लस म्यू, और ये अपने पास क्या होती थी, ओ सी, ठीक है, इन दोनों का सम और इस साइड के बराबर। अब अपन लैम्डा माइनस म्यू थ्योरम का यूज करते हैं, कहां पर जी, ये मेरे पास क्या है जी है, ये मेरे पास क्या है जी ए जी सी और ये जी ई है, ठीक है। अब देखो जी ए की तरफ क्या है मेरे पास, ये जी ए हो गया, यानी कि 1GA, इस साइड क्या है 1GC। अब लैम्डा माइनस म्यू का यूज करेंगे तो 1 प्लस 1 2
और ये क्या हो जाएगा जी ई। तो यहां पर इसका यूज करके मैंने ये लिख दिया। सिमिलरली लैम्डा माइनस म्यू का यूज करके देखो जी डी जी सी और ये जी एफ, तो ये क्या हो गया जी डी जी बी, ये कितना हो जाएगा वन इंटू जी डी, ये कितना हो जाएगा वन इंटू जी बी, किसके बराबर होगा वन इंटू जी डी प्लस वन इंटू जी बी, ये दोनों साइड दे रखी है, ये किसके बराबर होगी वन प्लस वन टू जी एफ, टू जी एफ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो जी ए प्लस जी सी प्लस जी बी प्लस जी डी, ये चारों साइड आ गई, इज इक्वल टू दोनों में से टू कॉमन निकाला जी एफ प्लस जी ई, दोनों क्या होगी ऐड होगी। अब देखो जी ई देखो और जी एफ देखो, जी ई मेरे पास क्या है ये है, जी ई ये है मेरे पास, जी एफ ये है। अब दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, अगर एक की डायरेक्शन ये है तो एक की डायरेक्शन ये है, दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है तो ये क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे, कैंसिल आउट होंगे, तो ये क्या आ गया जीरो। अब तीनों फोर्सेज का सम क्या आ गया भाई, तीनों नहीं चारों फोर्सेज का सम क्या आ गया जी ए जी बी जी सी और जी डी, इनका अगर सम जीरो आ गया इन दैट केस वी कैन से दैट फोर्सेज आर हेंस फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेज किस में है इक्विलिब्रियम में, राइट। तो ये आप लोगों का एग्जांपल नंबर 5 था, बिल्कुल आसान है भाई, मेन चीज ये है, ये यानी कि फिगर, फिगर बनानी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर फिगर आप अच्छे से बना लेते हो तो इन दैट केस आप लोगों को एग्जांपल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेगी, मैं लिख लेता हूं उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये भाई आप लोगों का लास्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.3 से पहले, उसके अलावा मैं आपको बता दूं भाई इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लेमीज थ्योरम और कन्वर्स ऑफ लेमीज थ्योरम, ये दोनों वीडियोस मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो जर्नली मैं लेमीज थ्योरम के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही आप ये वीडियो देखो उसके बाद आप लोगों को लेमीज थ्योरम की वीडियो मिल जाएगी, ये जर्नली ओल्ड वीडियो है भाई, पहले से अपलोडेड है, तो मैं इसको दोबारा अपलोड करने वाला नहीं हूँ, मैंने देख ली बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो लेमीज थ्योरम का वीडियो प्लस एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 वो मैं पहले से आप लोगों को करवा चुका हूं, तो नेक्स्ट वीडियो वो जरूर देख लेना। उसके अलावा यार तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियोस तो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कंप्लीट कोर्स फ्री में लेके आए हैं, सबसे पहली बात तो कुछ नहीं देना, उसके बाद आप लोग कंजूसी करते हो सब्सक्राइब करने में, ठीक है, कमेंट करते हो समझ में आ रहा है, बट यार सब्सक्राइब तो नहीं करते। चैनल पे प्रेजेंट में 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है, चैनल को तो एटलीस्ट सब्सक्राइब करो यार, राइट। अब चलते हैं आप एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है भाई, इट ट्रांसवर्सल कट्स द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ थ्री कॉन्ग्रेंट फोर्सेज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर तीन कॉन्ग्रेंट फोर्स दे रखा है और इनको एक लाइन कट कर ली है ट्रांसवर्सल लाइन, कहां पर एल एम एन के ऊपर, ठीक है। अब शो क्या करना है, इफ आर इज द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू देन सो दैट, ये पी फोर्स है ये क्यू फोर्स, एक सेकंड ये आर है और ये क्यू है, ठीक है। अब क्या है, ये पी फोर्स है ये क्यू फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट आर है, ठीक है, बोल रखा है ऐसा कि P और Q का जो रिजल्टेंट है वो R है, तो अपने को शो क्या करना है, ये शो करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मैं मान लेता हूं लेट ये क्या है P by OL, इसको मैंने लैम्डा के इक्वल मान लिया, ठीक है, P upon OL is equal to lambda and Q upon OM is equal to mu, राइट। यहां से देखो P की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, P की वैल्यू आ गई भाई P is equal to lambda OL। अब P का मतलब क्या है, ये फोर्स है ना, इसकी वैल्यू यहां पर मेरे को मिल गई P into OL, ठीक है, P into OL। सिमिलरली जो Q है वो किसके बराबर है, म्यू into OM, ये Q है, इसकी वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, म्यू into OM, ठीक, म्यू into OM, राइट, ठीक है, वैल्यू क्या मिल गई, म्यू into OM। अब आप लोगों को लैम्डा म्यू थ्योरम पता है क्या होती है, बाई लैम्डा म्यू थ्योरम, बाई लैम्डा म्यू थ्योरम क्या लिख सकते हैं भाई, कि ये दोनों फोर्सेज हैं P प्लस ओ एल, म्यू पी नहीं लैम्डा ओ एल है, लैम्डा ओ एल और ये क्या है म्यू ओ एम, ये किसके बराबर होगी भाई, ये होगी मेरे पास लैम्डा प्लस म्यू, ये साइड क्या है ओ एन, तो इसको ओ एन लिख देते हैं, लैम्डा प्लस म्यू और ओ एन,
तो मैंने क्या लिख दिया, आर, ये जर्नी अपने पास रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल आ गया, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ओएन। जो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लैम्डा प्लस म्यू इनटू ओएन। तो यहां से देखो ओएन को नीचे लेके आए तो आर बाई ओएन किसके बराबर आ गया, लैम्डा प्लस म्यू के बराबर आ गया। अब लैम्डा क्या मानना था अपने, पी बाई ओएन, लैम्डा की जगह पी बाई ओ एल रख दिया, और म्यू क्या मानना था अपने, क्यू बाई ओ एम, तो म्यू की जगह रख दिया क्यू बाई ओ एम। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, नीचे लिख देना हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, ये अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहां पर भाई जो आप लोगों की एक्सरसाइज है 1.4, उससे पहले जितने भी 1.3 से जितने पहले जितने भी एग्जांपल है वो मैंने कवर करा दिए हैं। एक्सरसाइज 1.4 से पहले लेमी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ लेमी थ्योरम, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी एके, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।